जी यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं आप लोगों का? अच्छा, नहीं सर, नो सर। उसके बाद ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बता दिया था कंसीलमेंट ऑफ इनकम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आपकी जो सेक्शन 1111 है ना, सर सर 1 मिनट, सिर्फ ये सांस वाले एंड तो मिल गया, सिर्फ एक। अच्छा जी, कंसीलमेंट ऑफ इनकम सेक्शन 111 है। अच्छा ये होता क्या, मैंने आपको कल बताया तो दिया था, दोबारा हम पढ़ भी लेते हैं। कंसीलमेंट ऑफ इनकम इंक्लूड्स द सप्रेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ रिसीट लाइबल टू टैक्स इन होल और इन पार्ट, और फेलियर टू डिस्क्लोज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। यानी आपने कोई ऐसी इनकम जो टैक्स होनी चाहिए थी उसको क्या कर दी, सप्रेस कर दी, यानी छुपा दिया, राइट? कोई इनकम जो टैक्स होनी थी उसको आपने टैक्स नहीं करवाया, ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम होती है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपने कोई ऐसी डिडक्शन जो आपकी नहीं बनती थी और फिर भी आपने ले ली, क्लेम कर दी, ये भी कंसीलमेंट ऑफ इनकम है। उसके अलावा ये जो सेक्शन 111 के अंदर लिखी हुई बातें जो मैंने आपको कल बताई थी, उसके अलावा क्लेमिंग ऑफ एनी इनकम और रिसीट एज एग्जेम्प्ट अदरवाइज विच इज टैक्सेबल, राइट? कि कोई ऐसी इनकम जो टैक्सेबल थी उसको आपने क्या कर दिया जी, एग्जेम्प्ट क्लेम कर दिया, तो ये भी किया जी, ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम के जुमरे में आता है जी। फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट नन ऑफ द फोर अनलेस इट इज प्रूव दैट टैक्स पेयर इज नोइंगली एंड विलफुली कमिटेड दीज एक्ट्स। बात समझ आ गई, जानबूझ कर अगर वो कर रहे टैक्स पेयर तो ये क्या कहलाएगा जी, कंसीलमेंट ऑफ इनकम कहलाएगा। अच्छा, कंसील्ड एसेट्स मीन्स एनी प्रॉपर्टी और एसेट विच इज इन द ओपिनियन ऑफ द कमिश्नर इज रिक्वायर्ड। अच्छा, ये इसमें याद रखिएगा कि अगर वो बिलफर्ज गलती से उससे छूट गया ना, तो वो इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर ये वाली पेनल्टीज उसके ऊपर नहीं होती, राइट? राइट अच्छा, मींस एनी एसेट और प्रॉपर्टी विच इन द ओपिनियन ऑफ कमीशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स बट नॉट चार्ज टू टैक्स। बात समझ आ गई कि आपने किसी बेनामी जायदाद जो नहीं होती, बेनामी जायदाद, यस सर, ये वो है, पता है ना उसका कॉन्सेप्ट आता है ना आपको, ये नहीं आता? यस सर, आता है इसका पता है ना कॉन्सेप्ट। कि ब्लैक मनी से या ऐसी किसी मनी से कुछ चीज खरीदी हो। सो दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज एप्लीकेबल इन केस वेयर एनी कंसील्ड एसेट ऑफ अ पर्सन इज इंपाउंडेड। इंपाउंडेड क्या होता है जी, जब्त कर लेना बाय एनी एजेंसी ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इन सच अ केस द कमिश्नर इज एम्पावर्ड टू मेक प्रोविजनल असेसमेंट बिफोर मेकिंग अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट और अमेंडेड असेसमेंट। जी वही मैंने आपको कल भी बताया था कि ये क्या होता है, कोई आपका एसेट पकड़ा गया आप पे, क्या होता है जी, आप पे केस हो जाते हैं, तो उस दौरान ना ये वाली असेसमेंट बनाई जाती है। वेर एन ऑफशोर एसेट ऑफ एनी पर्सन नॉट डिक्लेयर्ड अर्लियर इज डिस्कवर्ड बाय द कमिश्नर और एनी डिपार्टमेंट ऑफ और एजेंसी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, द कमिश्नर में एट एनी टाइम बिफोर इशूइंग एनी असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 121 और अमेंडेड असेसमेंट अंडर सेक्शन 122 इशू टू द पर्सन द प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर और प्रोविजनल अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर एज द केस मे बी फॉर द लास्ट कंप्लीटेड टैक्स ईयर ऑफ द पर्सन टेकिंग इन टू काउंट ऑफ शेयर। ये मैंने आपको जी उस दिन भी बताया था कि होता क्या है कि बिल फर्ज आपका, आप यहाँ बैठे हैं, आपका ना बाहर से कोई कंपनी निकल आई है, राइट? आपको कोई बाहर से ऑफ शोर एसेट निकल आए, बात समझ आ गई? अब यस फॉर सर, एग्जाम्पल ये एसेट है 1 करोड़ रुपए का, इसका मतलब आपने 1 करोड़ रुपए की इनकम छुपाई है, तो कमिश्नर क्या करेगा कि जो आपके पिछले साल का, मतलब अभी आप फॉर एग्जाम्पल चल रहे हैं टैक्स ईयर 2022 में, तो जो आपके पिछले साल की रिटर्न होगी ना टैक्स ईयर 2021 में, इसमें ये इनकम ऐड कर देगा। बात समझ आ गई? ये मैंने आपको पहले भी शायद ओके बताया सर, था, ये वो बात लिखी हुई है, इसको जब ये इनकम ऐड करेगा ना, ये बोलेंगे कि लास्ट ईयर की इसने आपको क्या दे दिया है, इसने आपको अमेंडेड असेसमेंट दे दी है, राइट? ये 122 भी हम पढ़ते हैं, ये काफी डिटेल्ड सेक्शन है। अच्छा, वेयर एनी कंसील्ड एसेट इज इंपाउंडेड इट शैल बी टेकिंग इनटू अकाउंट इन द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल फॉर द लास्ट कंप्लीटेड टैक्स ईयर ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग विच, जी ये भी मैंने बता दिया आपको, राइट? द कमिश्नर शैल फाइनलाइज द प्रोविजनल ऑर्डर और प्रोविजनल अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर एज सून एज पॉसिबल। इसमें कोई मसला है आपको सारी बात में?
सर ये पूछना था कि अगर ऑफशोर एसेट निकल आते, चले वो तो टैक्सेबल मतलब प्रीवियस ईयर की इनकम में डाल के उन्होंने कर लिया, ठीक है लेकिन उसमें फिर केस भी तो होता होगा ना इन शॉर्ट, जी क्योंकि जी जी बिल्कुल, इसीलिए आपने इसको प्रोविजनल असेसमेंट के नीचे पढ़ रहे हैं। मैंने आपको यार राइट सर ये प्रोविजनल असेसमेंट होती है क्या कि आप पे केस हो जाता है, लेकिन राइट सर यार क्या कहते हैं कि अभी तो तुम जमा कराओ ना, अभी तो तुम जमा कराओ, राइट सर अगर कोई और भी निकल आया केस को तो डिसिप्लिन होगा, उसके लिए आप पे हम इसको अमेंड कर देंगे। राइट सर। अच्छा जी, उसके बाद स्पेशल प्रोविजन क्या है, अमेंडेड असेसमेंट नीचे आ रही है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के चक्कर में क्या होता है जी, वेयर आर द ओनरशिप ऑफ एनी प्रॉपर्टी द इनकम फ्रॉम व्हिच इज चार्जेबल टू टैक्स इज इन डिस्प्यूट इन द एनी सिविल कोर्ट इन पाकिस्तान, एन असेसमेंट ऑर्डर और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम मे बी इशूड एट एनी टाइम विद इन वन ईयर आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज मेड। जी, कोई प्रॉपर्टी थी और उसकी ओनरशिप के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो रहा था, राइट, तो कोर्ट में केस चल रहा था। जब कोर्ट का केस का फैसला आएगा ना, उसके एक साल के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो कमिश्नर है वो उसके ऊपर असेसमेंट जारी कर सकते हैं। बात समझ आ गई? जी बताएं, इशू तो नहीं यहाँ तक? नो सर। अच्छा जी, उसके आगे क्या है? Evidence of assessment. The production of an assessment order or a certified copy shall be conclusive evidence of due making of assessment. The assessment order or a certified copy shall also be a conclusive evidence that the amount and all other particulars are correct, except in cases where the proceedings related to assessment are under appeal. Simple सी बात है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा वो complexity नहीं है। ऐसा क्या है जी? असेसमेंट, अच्छा ये नीचे वाला पहले पढ़ते हैं। एनी असेसमेंट ऑर्डर, एनी ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर राइटिंग मे नॉट बी क्वाश्ड और वॉइड और वॉइडेबल फॉर वांट और फॉर्म और अफेक्टेड ड्यू टू एनी मिस्टेक डिफेक्ट और ओमिशन। हाउएवर एन ऑर्डर शैल बी क्वाश्ड और वॉइड इट इज, सिंपल सी बात है, असेसमेंट का एविडेंस क्या हो सकता है आपके पास? किसी भी चीज का एविडेंस क्या होता है? उसकी कोई डॉक्यूमेंटेड फॉर्म होती है ना? ये सर उसकी डॉक्यूमेंट्स होती है। आपके स्टूडेंट हो तो आप क्या दिखाएंगे? मैं एविडेंस मांगूंगा, मुझे एफटीएस कार्ड दिखा देंगी। सिमिलरली अगर कमिश्नर भी जो है आपको ये इशू करता है ना असेसमेंट, उसका एविडेंस क्या होता है कि आपके पास उसका क्या हो, असेसमेंट ऑर्डर हो। जिस तरह मैंने ना आपको कल मेरे ख्याल से दिखाया भी था सिस्टम के ऊपर सेल्फ असेसमेंट ऑर्डर, राइट, तो वो कंक्लूसिव एविडेंस होते हैं आपके पास असेसमेंट के। अच्छा, ये जो असेसमेंट ऑर्डर होता है ना, अगर बिलफर्ज कमिश्नर ने मुझे नोटिस भेजा कि तुम कोई मतलब जमा कराओ, उसने मुझे कहा कि तुम रिटर्न फाइल करो, ये इतने पैसे जमा कराओ, और उसने उसके अंदर ना कोई मतलब लफ्ज गलत लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल प्रोसीडिंग्स था, तो उसने प्रोसीडिंग में एक ही लिख दिया, उसने ऐसे लिख दिया। अब मैं ये नहीं कह सकता इसके ऊपर कि इसने चूंकि प्रोसीडिंग में एक ही लिखे है, दो ही नहीं लिखे, तो ये ऑर्डर वॉइड है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आपको असेसमेंट ऑर्डर आता है और उसके अंदर कोई मिस्टेक है, कोई डिफेक्ट है या कोई ओमिशन है, उसकी वजह से वो वॉइड नहीं हो जाएगा। वॉइड मतलब, वॉइड आपने लॉ पढ़ा है ना, कि मतलब वो यस सर नॉट वैलिड, वो वॉइड अभी इशू नहीं हो जाएगा। राइट राइट, बात समझ आ गई है? यस सर। बस ये आसान था इसमें, मेरे ख्याल से कोई मसला है तो पूछ ले, डिस्कस कर लेते हैं। नो सर। अच्छा जी, देन हम चलते हैं अमेंडेड असेसमेंट पे, सेक्शन 122। अच्छा, थ्योरेटिकल सा चैप्टर है जी। अमेंडेड असेसमेंट क्या होती है? कमिश्नर ने असेसमेंट दे दी पहले, राइट, अब कमिश्नर साहब को कोई फर्दर कोई एविडेंस मिल गया, राइट, मतलब पहले कमिश्नर ने कहा कि तुम्हारी इनकम बनती है सपोज करो 1,00,000 रुपए, तुम्हारे पे टैक्स बनता है 1,00,000 रुपए, राइट, ये कमिश्नर साहब ने ना हमें बेस्ट जजमेंट दे दी,
ठीक है जी, बाद में कमिश्नर साहब के हाथे कोई और एविडेंस लगा और उनको लगा कि अरे 1 लाख नहीं बनती तो 3 लाख बनती है, राइट, ज्यादा बनती है। तो कमिश्नर क्या कर सकता है, कमिश्नर असेसमेंट को अमेंड कर सकता है, ये कोई वो हरफे आखिर नहीं है, वो हदीस नहीं पढ़ दी इसने कि इसके बाद जो है वो चेंज नहीं हो सकता, ये अमेंड हो सकती है असेसमेंट। बात समझ आ गई? इसी तरह यस कमिश्नर सर। ने नॉर्मल असेसमेंट की, यानी आपने रिटर्न फाइल की और कमिश्नर ने क्या कि इसको नॉर्मली असेस किया। नॉर्मल असेसमेंट मतलब वो एक दफा देख लेता है उसमें कोई तो उसको गलती डिफेक्ट नजर आए तो वो रेक्टिफाई करवाते, तो जो ऊपर हम पढ़ कर रहे हैं सारा प्रोसीजर। कमिश्नर साहब को लगे ये ठीक है, कुछ 1 साल बाद 2 साल बाद कमिश्नर साहब को ये पता चला, 5 साल का मेरे ख्याल से इसमें टाइम हम पढ़ लेते हैं अभी, कि कमिश्नर साहब को लगा कि यार इस बंदे ने ना मतलब ये जो रिटर्न 2000 सपोज करो 17 में फाइल की थी, इसके अंदर इसका टैक्स जो था वो ज्यादा बनता था, इसने कम दिए, राइट। तो कमिश्नर साहब इसको अमेंड कर सकते हैं, पहले उसको यहाँ पे जब उसने असेसमेंट की तो उसको लग रहा ठीक है, लेकिन बाद में कोई ऐसा एविडेंस मिला जिसकी बेसिस पे उसने क्या कर सकते हैं, वो इस असेसमेंट को अमेंड कर सकते हैं, राइट। बात समझ आ गई? यस सर, ये इसका यस सर। कॉन्सेप्ट है, मेन कोर ये है, बाकी हम पढ़ लेते हैं इसे, थ्योरेटिकल सी बातें। कमिश्नर इज एम्पावर्ड टू अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर ट्रीटेड एज इशूड ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस और असेसमेंट मेड अंडर टू द बेस्ट ऑफ कमिश्नर्स जजमेंट, राइट। द कमिश्नर मे मेक सच अल्टरेशन और एडिशन एज ही कंसीडर्स नेसेसरी। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कैन नॉट बी मेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स उसके बाद फ्रॉम इन विच इट इज इशूड। इफ अ टैक्स पेयर फर्निश अ रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम, द कमिश्नर शैल ट्रीट द रिवाइज रिटर्न एज अमेंडेड असेसमेंट ऑफ द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल देयर ऑन एज सेट आउट इन द रिवाइज रिटर्न, एंड द टैक्स पेयर्स रिवाइज रिटर्न शैल बी टेकन टू बी एज अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशूड टू द टैक्स पेयर बाय द कमिश्नर ऑन द डे द रिवाइज रिटर्न वाज फर्निश्ड। इसका मतलब क्या है आसान सी भाषा में, वो ये कि अगर आप रिटर्न को करते हैं ना, आपने की रिटर्न फाइल की राइट 2021 की, ठीक है जी, कमिश्नर ने इसको अमेंड किया, असेस किया, नॉर्मल असेस किया, कमिश्नर को लगा ठीक है, अब आपने खुद ही ना बाद में जाके अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर दी, राइट। अब क्या होगा, अब कमिश्नर, अब ये जो रिवाइज रिटर्न ना माना जाएगा कि कमिश्नर ने इसको क्या किया है, कमिश्नर ने जारी बात है कमिश्नर इसको दोबारा असेस करेगा ना, आपने रिटर्न दोबारा रिवाइज किया है, तो जब कमिश्नर इसको असेस करेगा तो माना जाएगा कि ये अमेंडेड असेसमेंट है। बात समझ आ गई? यस सर। सिंपल सी बात थी, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं थी, बस इन्होंने वैसे ही कॉम्प्लेक्सिटी में लिखा हुआ है। कमिश्नर इज आल्सो एम्पावर्ड टू अमेंड फर्दर एज मेनी टाइम्स एज मे बी नेसेसरी द ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर एज अमेंडेड प्रीवियसली विद इन द लेटर ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच। अच्छा 5 साल के अंदर कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि 5 साल के अंदर अंदर कर सकते हैं, और 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इज इशूड और ट्रीटेड एज इशूड। बात समझ आ गई? ये नहीं ऐसे होता है कि बिल फर्ज 2021 के आपने रिटर्न, यानी एक तो कमिश्नर साहब के पास ये पावर है ना कि ये जिस टैक्स ईयर में आप हो इससे लेकर पिछले 21 की आपने फाइल की, ये खत्म होता है 30 जून 2021 पे, राइट। अब कमिश्नर ना 30 जून 2026 तक, 30 जून 2026 तक 5 साल बनते हैं ना, 22 23 24 25, 5 साल यहां तक ना, ये यानी 1 जुलाई 2021 से लेकर इस 5 साल तक, इन 5 ईयर्स में कभी भी इस असेसमेंट, ये जो आपने रिटर्न फाइल की है ना, इसको अमेंड कर सकते हैं, राइट। ये बात समझ आई आपको? यस सर। अच्छा अब अगर आपने बिलफर्ज कमिश्नर साहब ने यहां पर अमेंड कर दी, सपोज करो कमिश्नर ने 1 जनवरी 2024 पर ना अमेंड कर दी, राइट जी, अमेंड कर दी, अब कमिश्नर के पास 24 ने इसको 23 24 पे नहीं 25 कर ले 26 कर लेते हैं इसे, 26 पे ना कमिश्नर ने इसको क्या कर दिया, अमेंड कर दिया, राइट। अब कमिश्नर के पास क्या पावर है कि इसकी फर्द, अब यहाँ पे इस डेट पे अमेंडमेंट हुई है ना, अब कमिश्नर साहब ना इसका क्लोज कब बन रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का, 30 जून 2021 26, यस सर। 26
अब इसके एक साल के अंदर अंदर ना, यानी 30 जून 2027 यहां तक दोबारा से इसको अमेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? दोबारा से अमेंड कर सकते हैं। सर उसे फिर 6 महीने और मिल जाएंगे, 6 महीने वैसे नहीं, तो 5 साल एक साल का थे मिल ना। गया। नो नो, इसको एक साल मिल गया। सर नहीं ना सर, वो थी 30 जून 2026 तक तो उसे मिली हुई थी ना, मिली हुई थी ना, वो राइट? तो 6 महीने एक्स्ट्रा मिले ना समझे तो। नहीं नहीं ना, ना सर, 30 जून 2017 है, ठीक है 2017 जून आ गए। ओके ओके ट्वेंटी सर, ट्वेंटी सेवन हाँ जी, बात समझ आ गई? यानी सर ये क्यों? ये लॉ है ना कि जिस साल अगर आपको, जिस साल कमिश्नर आपकी असेसमेंट करते हैं ना, दोनों में से जी लेटर ऑफ सर, ओपन, तो उस साल के आखिर में, यानी जब वो साल क्लोज होता है, उसके एक साल बाद तक कमिश्नर क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर अमेंड कर सकते हैं, ठीक है सर। सर राइट? मतलब कि अगर अगर हमने 2015 में ही अमेंड कर दी, 2015 में आपने अमेंड कर दी, हाँ राइट? कमिश्नर ने, यस सर कर दी, ठीक है, तो सर अगर फिर 5 साल गुजर जाते हैं और 1 साल पीरियड भी अमेंडमेंट का गुजर जाते हैं, फिर वो फर्दर अमेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकता, नहीं कर ओके सकता सर, जी। ठीक है सर, ठीक है यस सर। सर, जी मिस, जो 5 years वैसे अमेंडमेंट के लिए होते हैं, उसमें अगर वो चाहे जितनी बार मर्जी अमेंड कर दे, एग्जैक्टली सही पहुंची है राइट वो सर? आप, समझ आ गई, राइट? ऐसे समझ आ गई, ये इसने राइट ये सर, लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एज मैनी टाइम्स एज मे बी नेसेसरी, लेकिन टाइम लिमिट उसने राइट अगर नीचे सर, लगा दिया है, ये लेटर ऑफ का बर्थडे यहाँ पे लगा। यस सर, यस सर। अच्छा जी, एन असेसमेंट ऑर्डर शेल बी अमेंडेड, और एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर शेल ओनली बी फर्दर अमेंडेड एज अबव, वेयर द कमिश्नर हैज डेफिनेट इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड फ्रॉम एन ऑडिट, और ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट एनी टैक्सेबल इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, यानी इसमें टैक्सेबल इनकम है वो कम बताई थी, टोटल इनकम हैज बीन अंडर असेस्ड, टोटल इनकम इसने कम बताई थी, और असेस्ड टू लो, यानी रेट ज्यादा बनता था उसने कम लगाया, और हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेसिव रिलीफ और रिफंड, या उसने क्या किया, एक्सेसिव रिफंड या रिलीफ क्लेम कर लिया, एनी अमाउंट अंडर अ हेड ऑफ इनकम हैज बीन मिस क्लासिफाइड, मतलब सैलरी को उठा के बिजनेस में डाल दिया और बिजनेस को उठा के प्रॉपर्टी में डाल दिया, इस तरह का कोई कारनामा किया, तो ये फर्दर अमेंड हो सकती है। अच्छा, उसके बाद डेफिनेट इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सेल्स और परचेजेस ऑफ एनी गुड्स मेड बाय द टैक्स पेयर, रिसीट्स फ्रॉम द सर्विसेज रेंडर्ड, और अदर रिसीट्स रिलेटिंग टू द एक्विजिशन पोजीशन डिस्पोजल ऑफ एनी मनी एसेट वैल्यूएबल आर्टिकल और इन्वेस्टमेंट मेड और एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द टैक्स पेयर। ठीक है जी, ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अच्छा, द कमिश्नर में अमेंड और फर्दर अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर इफ ही कंसीडर दैट इट इज एरोनियस इट, और यानी अगर उसने क्या किया कि कमिश्नर, एक तो आपने ऊपर पढ़ा है ना, दूसरा कमिश्नर तब भी रिवाइज कर सकते हैं जब उसको ऐसा लगे कि यार कि जो मैंने पहले अमेंड असेसमेंट की है ना, उससे क्या हुआ है, उससे FBR का नुकसान हुआ है, राइट? इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये रेवेन्यू मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR। राइट सर, ठीक है जी, वंस द ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट इज अमेंडेड, द कमीशन शैल इशू एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर एज सून एज पॉसिबल स्टेटिंग द अमेंडेड टैक्सेबल इनकम। ये हमने पहले भी पढ़ा है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, ये आसान सी बात थी, सिर्फ आपको उसके एक फ्लो सा बना के देखना है, आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगी ये चीजें, सिर्फ आप उर्दू में याद कर रहे हैं ना पूरा प्रोसीजर, तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगी, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, उर्दू राइट सर, टेक्निकल चीज तो है नहीं कि हम उसकी एग्जाम्पल्स करते रहेंगे या वो उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल करेंगे, और ये आता भी नहीं है आपसे, बस ये पूछ लेता है, इसका प्रोसीजर आ जाता है। अच्छा, ओके नो सर, no, आपने ना इसका पास पेपर में देखोगे ना, तो इसको इसके क्वेश्चंस पूछे, व्हाट इज अमेंडेड असेसमेंट और व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ, ये सारा कंडीशंस या प्रोसीजर या टाइमलाइंस, तो ये आपने फिर याद कर लेनी है, बेशक अपन उर्दू में याद कर लें और इंग्लिश में फिर उसको अपनी जबान में रिप्रोड्यूस कर लें। अच्छा ओके जी, सर, नो असेसमेंट शैल बी ट्रीटेड विदाउट गिविंग द टैक्स पेयर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जी, आपको हमेशा वो क्या देंगे जी, टैक्स वाले पहले शो कॉज नोटिस इशू करेंगे, यानी आपको पहले बुलाएंगे, बुला कर तो उसके बाद ये हेयरिंग वगैरह होती है, उसके बाद ये असेसमेंट इशू होती है। अच्छा, ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड विद इन 120 days ऑफ इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, की देखिए शो कॉज वाली बात आ गई नीचे। ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड विद इन 120 days, 120 दिन का टाइम है, ऑफ इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस और विद इन दैट्स एक्सटेंडेड पीरियड एज द कमिश्नर मे फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो हाउ एवर सच एक्सटेंडेड पीरियड शेल
in no case exceeds 90 days, this provision shall be applicable in a show cause notice issued or on after 1st July of 2021. जी ये पार्ट लिस्ट में कोई मसला है? तो 1 मिनट नो सर जी नीचे वाला भी पढ़ लेंगे, ये वाली भी, ये बाकी ये तो आपको भी नहीं समझ आएंगे, हम अभी देखते हैं। सर समझ आ गई। अच्छा जी, अच्छा ये एडी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये क्या होती है, ये हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। एक एपीलेट ट्रिब्यूनल होती है, ये हम देखते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है इसके अपने कोर्स में जी, ये देख लें। अच्छा सर, जिस तरह मैं भी उन्हें ऊपर पढ़ा है कि असेसमेंट किन दोनों सिचुएशन में की जाती है, तो आपको ऑडिट की बुनियाद पे या फिर आपको और क्या है जी, इंटरेस्ट ऑफ बोर्ड के इंटरेस्ट में, अगर एफपीआर के इंटरेस्ट में अगर कोई चीज जो है वो प्रिजुडिकल हो तो, राइट। अच्छा उसके बाद एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी एरोनियस हाउएवर इन केस द सेम इज नॉट प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू दैट देन टैक्स अथॉरिटीज कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, दस कोएग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सिचुएशंस, फर्स्ट एरर इन द असेसमेंट, सेकंडली टैक्स लॉस सफर्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज इज वेरी नेसेसरी टू इनवोक प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 122(5)(a) अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। ठीक है जी, एनी चेंज ऑफ ओपिनियन डज नॉट कंस्टिट्यूट एनी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ऑफ मेक असेसमेंट और एन एरोनियस एंड प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, नो अमेंडमेंट इज अलाउड अनलेस द टैक्स पेयर हैज बीन गिवन प्रॉपर। ये पढ़ लें, जिसमें मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल चीज तो है नहीं, देख लें इसे भी। थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सर। Any change of opinion does not constitute any definite information. जी हाँ, ये अगर तो change of opinion हो जाए, क्या हो जाए जी, change of opinion, and मतलब commissioner साहब ने 2017 में आपके कोई assessment यानी normal assessment कर दी, अब commissioner साहब का ना दिमाग फिर गया, मतलब जो इनका opinion था ना वो उनका वो basis खत्म होगी, लेकिन इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट बात समझ आ गई, क्योंकि आपको पता ना कि टैक्सेशन का जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली नहीं बहुत सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है टैक्सेशन, मतलब लॉ तो सारे सब्जेक्टिव है ना, मतलब आपके पास एक ही क्लॉज होती है, एक वकील उसका और मतलब निकालता है, दूसरा और मतलब निकालता है, राइट राइट। इधर कमिश्नर साहब ने और मतलब निकाला, बाद में इनको ख्याल आया यार मैंने तो मतलब गलत निकाल दिया था, और अब ये इनका और मैं, लेकिन इस बेसिस पर ये इसको नहीं कर सकते, रिवाइज नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, जब तक इनके पास क्या हो ठोस इन्फॉर्मेशन ना हो, ठोस इन्फॉर्मेशन कैसे आ सकती है तब तक जी, या तो ऑडिट की बेसिस पे या पे फिर जो ऊपर और हमारे पास सोर्सेज लिखे हुए हैं कि सेल परचेज से ये वो सारे, कोई कोई फर्दर आगे इसने और रिटर्न फाइल की थी उसकी बुनियाद पर बेसिस को गलत लगी ऑडिट इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, अच्छा जी ये फिर एक्शंस है, ये एक तो मेरे ख्याल से कल देखते हैं। ओके सर जी, इसको कल देखते हैं, ये थ्योरेटिकल सी बातें हैं, इनमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इनमें भी नहीं है, एक चार्ट सा है मैं आपको समझा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा सारा। ठीक है जी, एफआर की शुरू करते हैं।